इंदौर में कानूनगो बाखल की फातिमा मस्जिद में मुहर्रम पर जश्न इमाम हुसैन की याद में जिक्र शोदाए करबला का प्रोग्राम हाफिजो कारी सूफी मालवा पीर अब्दुल हफीज मियां अशरफी की सरपरस्ती में कामयाबी के साथ हुआ। दरअसल इस्लामिक साल का आगाज होते ही आका हुसैन के चाहने वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी जाहिर हो जाती है। जुबा पर नारा जारी होता या हुसैन इसी नारे के साथ फातिमा मस्जिद में जिक्र शोहदाए करबला के प्रोग्राम पर अब्दुल हफीज मियां अशरफी द्वारा महफिल में करबला पर तकरीर की गई। तकरीर के बाद देश व दुनिया के अमन व अमान के लिए दुआएं खास की गई। बाद हुआ फातिहा खवाने के बाद लंगर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महफिल में तमाम शिरकत करने वालों को लंगर तकसीम किया गया। मुसलमानों पर हमारे लिए सारी दुश्वारियां हैं, बाकी सब जो करें सो सही, हम करें सो परेशानी, तो इसको दूर करने का कोई रास्ता है? क्योंकि इमाम पाक रज़ियल्लाहु तआला ने करबला की सरजमीन पर अपनी और अपने आल की अजीम कुर्बानी पेश करके आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अतराफ अकनाक के जो 7-8 मुल्क जो तैयार हुए हैं, जिसको बड़े सगीर में एशिया कहा जाता है, इस एशिया में जो बड़ी तादाद मुसलमानों की तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान है, वो अकेले वाहिद एक आदमी के देश है जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूरी फरमा दे, ये पूरा साल हम तेरे हवाले करते हैं मौला, इस साल की तमाम आफतों बला से महफूज फरमा, खैरियत से साल का आगाज हुआ है, खैरियत से इसका इख्तिताम फरमा, हर साल से बेहतर इस साल की नेमत से हम सबको अता फरमा, इस साल की बलाओं